मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का मैं चेयरमैन हूँ। एक ऐसी संस्था जो ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और उद्यमियों को ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है, पर्टिकुलरली उनको फ्रीडम दिलाने का काम करती है। और आज का ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज से 200 साल पहले एक संघर्ष शुरू हुई थी। उस संघर्ष में देशभक्त लोगों ने काम किया। ये देशभक्तों ने हमें मुक्ति दिलाई, आजादी दिलाई, गुलामी से आजादी दिलाई और हमें मुक्त करके ऑन 15th of August 1947 को एक फ्री इंडिया दिया। ये फ्री इंडिया इसलिए हमारे हाथ में दिया ताकि हम ये अंडर डेवलप्ड कंट्री जो था इंडिया, इसे पहले इन्होंने डेवलपिंग कंट्री बनाए और इसे एक महान डेवलप्ड कंट्री करके, जैसे अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके मार्फत एक महान ऑर्गेनाइज इन्होंने संस्था या मतलब एक कंट्री हम बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी देशभक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ गई। कहीं ना कहीं कुछ नेचुरल जो वैल्यूज हमारे थे, जो वैल्यूज थे ऑफ बोलते ना वसुदेव कुटुंब का, जो हमारा एक वैल्यूज था सबके लिए करना है, सबको साथ में लेके चलना है और एक सेल्फिश भावना के साथ काम नहीं करना है, और जैसे ही हम एक स्पिरिचुअल गिविंग भावना सोल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे हमारे कंट्री के साथ, नॉट फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड, बिकॉज बॉडी और माइंड बेईमानी कर सकता है, और सोल से अगर आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो वो जो गांधी का सोल है वो हम सबों में आना चाहिए, जो सरोजिनी नायडू का सोल था, जो खान अब्दुल गफार खान का सोल था, जो देशभक्त शहीद भगत सिंह का जो सोल था, जो एक प्योरिटी था तिलक में, जो एक प्योरिटी थी इन महान देशवासियों में, जो प्योरिटी थी सरदार पटेल में, जो एक डिटर्मिनेशन था सरदार पटेल के अंदर, जो एक भावना थी देश को जोड़ के, देश को आगे बढ़ा के, देश को महान बनाने का जो भावना था, ये भावना को हमें जगाना है। और अगर हम प्योर इंसान हो गए, और कोविड के बाद तो प्योरिटी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कोविड ने हम सबको सिखाया है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, गिव एंड टेक इज द क्रक्स एंड द वैल्यूज दैट वी हैव टू फॉलो। सो ऑन दिस इंडिपेंडेंट डे मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक प्योरिटी के साथ काम कीजिए, एक सिंसियरिटी के साथ काम कीजिए, एक डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन और जोश और उल्लास के साथ इस कंट्री को बनाने में मदद कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 तक हमें सुपर पावर बनना है। हम नहीं बने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डीरेलमेंट हो चुका है। तो हमें सही टाइप के लीडर्स को चुनने हैं, हमें सही टाइप के पॉलिटिशियंस के साथ काम करने हैं, हमें वाद विवाद करना है, हमें संवाद करना है, हमें डिबेट करना है, हमें इनटॉलरेंस से निकलना है और एक क्रिएटिव रेस्टलेसनेस के साथ सभी देशवासियों को एक प्योरिटी के साथ इंडिया को एक सुपर पावर बनाने का काम करना चाहिए। मैं अपने तरीके से उसका योगदान करूंगा। किस तरह से मैं इस देश को महान बनाने के लिए जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है और बिजनेस वुमेन है, उनको बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मेरी संस्था स्मार्ट वचनबद्ध है। हम लोग पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और रेडिकल शिफ्ट हमारे उद्यमी में और एंटरप्रेन्योर्स में लाएंगे। इससे जैसे अमेरिकन कंपनियां हैं, बड़े बड़े गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और बड़े बड़े जो अमेजोन है जो वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, उसी तरह से हमारी देश की कंपनियां वर्ल्ड में हर जगह पे जाए, इसके लिए उनको वर्ल्ड कॉरपोरेशन बना के उन्हें ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटो एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स ऑन इट्स ओन, ग्रोज ऑन इट्स ओन एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑन इट ओन, ये बनाने में हम मदद करेंगे। तो आज ये इंडिपेंडेंस डे 15th August 2020 को मैं संतोष नायर प्लेज लेता हूं कि मैं उद्यमियों के माध्यम से इंडिया को सुपर पावर बनाने में मदद करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।